बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की बात करें तो वो फिलहाल अपनी आने वाली फिल्मों की तैयारियों में बिजी हैं। जी हाँ, उनकी श्रद्धा कपूर के साथ स्ट्रीट डांसर 3 भी आने वाली है और साथ ही साथ आने वाली है कुली नंबर 1 की रीमेक। कुली नंबर 1 की बात करें तो कुली नंबर 1 आई थी 1995 में, जिसमें हमें गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी देखने को मिली थी, जिस जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था और बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया था। वेल, गोविंदा ने कुली के कैरेक्टर को जो है काफी अच्छे से सेट किया था उस टाइम सिनेमा में, तो देखना ही होगा कि वरुण धवन कितना अच्छे से रख पाते हैं उस कैरेक्टर को इस बार इस फिल्म में। वहीं रीसेंट अपडेट्स की बात करें तो रिसेंटली वरुण धवन से इस फिल्म के रिलेटेड सवाल भी पूछे गए और गोविंदा के रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में वरुण धवन ने कुछ अजीब सा जवाब दिया, जिसके बाद जो है वरुण धवन के फैंस भी और साथ ही साथ गोविंदा के फैंस भी कुछ नाराज हो गए हैं वरुण धवन से। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। जिंदगी में लेता हूँ बट कुली नंबर 1 के लिए कोई टिप नहीं दिया। क्या नाम है? अरे आपका नाम पता है बट कैमरे कौन सा चैनल के लिए? माय लव फॉर डांस कम्स फ्रॉम गणपति विसर्जन, क्योंकि मैं जू बीच के सामने पैदा हुआ था तो ढटक 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 जब बैंड बजता है तो मेरा जो बदन है हिलता है। इसको एक पूछने दो क्योंकि ये चांस नहीं मिलेगा तो बहुत। हाँ, बैक टू बैक किधर आ रही है फिल्म? स्ट्रीट डांसर है फिर कुली नंबर। हाँ तो नहीं करूँ। हाँ जी, उसका मुझे बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया है हाई कमांड से कि उस जो कैरेक्टर है वो रिवील मत करो लोगों के पास, क्योंकि थिएटर में जाके देखने दो उन्हें। बस मैं बस चुप बैठूंगा इस वक्त क्योंकि मैं ज़्यादा वो कैरेक्टर को रिवील नहीं कर सकता, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग कैरेक्टर्स ऑफ माय करियर। जिंदगी में लेता हूँ बट कुली नंबर 1 के लिए कोई टिप नहीं दिया। वहीं वरुण धवन के इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं उनके फादर डेविड धवन। वेल, डेविड धवन ने 1995 में कुली नंबर 1 को डायरेक्ट किया था गोविंदा के लिए और अब इस फिल्म के रिमेक को वो अपने बेटे यानी वरुण धवन के लिए रिमेक कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कैसा परफॉर्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन फिलहाल इस फिल्म की जो फर्स्ट लुक आई है उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस का।